जी जीत रहा है मैं मास्टर शराफत हुसैन, और इस वक्त धामपुर में हूँ। मेरा ये कहना है कि ये रेलवे स्टेशन है, धामपुर रेलवे स्टेशन, ये जेतरे का रेलवे फाटक है, और यहाँ से सामने से जो पार रोड जा रही है वो जा रही है नूरपुर के लिए, और लेफ्ट हैंड नूरपुर जा रही है, और राइट हैंड जो है वो आपने दूसरा फाटक जो उसकी तरफ या नेटवर्क साइड में या अंदर शहर के कहीं कह दीजिए ना। तो कुल मिला के इस वक्त हम जेतरे में, जेतरा फाटक, जेतरे में नहीं, जेतरे फाटक पर है, रेलवे स्टेशन के ठीक जेतरे वाले फाटक पर, और ये बाहर की लोकेशन के लिए बताना जताना ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ बता रहे हैं। ये सब बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन का आधुनिकतम कार्य चल रहा है इधर की तरफ। ये बोलते हैं ये सामने जो है चंपा देवी भजन, ये सामने थोड़ा ही चल के चंपा देवी मंदिर है, और ये शिवार रोड पे चल गई निकलते हुए पार होते हुए बंसल टोपिस की तरफ होते हुए शिवार रोड पे चली गई है ना, और ये चली गई है मंडी, बड़ी मंडी, बांस मंडी बोलते हैं इसे शुरू में, और ये बड़ी मंडी चली गई है धामपुर, और ये आप समझ गए होंगे ये हमारे फ्रेंड में जाने का मेन छोटा रास्ता, यहाँ अंदर जाने के लिए हमारा यह है। और अब हम पहचान के लिए बिल्डिंग बनी है, ऐसे करीब 300-350 मीटर की दूरी, यानी कि ये रेलवे फाटक हुआ सामने मेन जो जगह है बाज़ार, और यहाँ से चौड़ा रास्ता है, और ये बिल्डिंग बनी है, और हमारा कहना यह है कि जाने का बहुत आसान रास्ता है। थैंक यू। मेरा कहना है कि जी जिस प्लॉट को हम दिखाने जा रहे हैं, कितना जी हमारा वो 132 वर्ग गज का प्लॉट है। अच्छा, ये सूर्य नगर कॉलोनी भी दिखाता हूँ मैं अभी। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चौड़ा रास्ता है, अगर 4-8 गाड़ी भी खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कितना चौड़ा रास्ता है। और मैं आपको देखिए, ये सामने बोर्ड है सूर्य नगर कॉलोनी धामपुर शिव शक्ति आराधना मंडल की तरफ से बनाया गया है ये, और ये पूरा क्षेत्र नई बिल्डिंग बन रही है। मेरा मतलब ये है कि इसके पीछे रेलवे लाइन है, दूर है, और रेलवे लाइन का मसला तो अलग है। ये हम वहाँ से आ रहे हैं, और ये आते आते ये हंसे, मैंने ये ख़ास तौर से दिखाया कि ये आज जाना आसान हो जाए। 132 वर्गज का है, 132 वर्गज। थैंक यू। देखिए कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छी बिल्डिंग है, आगे ये मोड़ है, मैं आपको अच्छा ले रहा हूँ। ये सामने से हम आए हैं, करीब 100 मीटर की दूरी पर है, बहुत चौड़ी रोड है, ये बिल्डिंग बनी है सामने, उधर बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंगों का पूरा बाहर है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत शानदार बिल्डिंग है ये भी, ठीक बराबर से जाना है। और ये आपका ऐसे करीब 50 मीटर चल के राइट हैंड को मुड़ना है हमें। अभी हम सामने से आ रहे हैं, करीब 150 मीटर चलने के बाद, ये चंपा देवी मंदिर के पीछे का एरिया है, और ये सब आबादी है, बिल्डिंग बनी पड़ी है, बहुत बढ़िया कॉलोनी है।
और इस कॉलोनी में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो हिंदी कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनी में लगभग एक ही तबके के लोग रहते हैं। कुछ सैनी हैं, कुछ जाट भी हैं, कुछ चौहान भी हैं, इसी तरह के हैं, और अच्छी कॉलोनी है। हमारा कहना यह है कि ये 132 गज का प्लॉट जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर हो रहा है, वहाँ जा कर के मैं उसको दोबारा दिखाऊंगा। कि मैं रास्ते में, आप जानते हैं, लोकेशन बताना ज़रूरी है। ये चंपा देवी के पीछे है, जेठे फाटक के पास में होते हुए। ये हम अभी होते हुए, मैं वहाँ जहाँ एक मकान है, बच्चा खेल रहा है, वहाँ से होते हुए आया और ये कॉलोनी में आ गए। ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में होते हुए छोटा रास्ता है, कार का रास्ता है जी, अपने घर में कार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? आप जो है अपने घर में आसानी से कार ले जा सकते हैं। और उस प्लॉट के पास हम, जो 132 गज का प्लॉट है, उसके पास से पहुँच। अब देखिए, जिस प्लॉट के बाद हम कर रहे हैं, ये तो रही डीलरों के द्वारा बनाया हुआ रास्ता, ये रास्ता यहाँ तक है ना, तो यही रास्ता आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से ऊंची ऊंची घास हो रही है। नहीं भरी जी इसमें? नहीं भरी है ना, और उधर नहीं भरी है, ये नहीं भरी है, तो इसके बीच में ये रास्ता पार है। और ये रास्ते देखो भैया जा रहे चल के, ये रास्ते के एक साइड से जा रहे हैं, दूसरा अलग रास्ता है। ये प्लॉट है जहाँ भैया खड़े हैं, यहाँ से चलने के बाद। इसका फ्रंट कहाँ कितना है नाप गया? कितना? 36। 36 फीट फ्रंट है, दूसरी तरफ भी फ्रंट है, वो रास्ता है उधर। और वो कितना फ्रंट है हमारा? वो 31 फीट है। 132 फीट का, 132 फीट तो 132 गज है, 132 गज है। और ये मेरे फ्रेंड बताई दिया, अब बाकी अब डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा जहाँ ये लिखा हुआ है प्लॉट है। ये रहा जी आपका, ये के सामने से होते हुए ये चला गया। और ये प्लॉट मकान के ठीक पीछे वाला, मकान के ठीक पीछे वाला, ये ऊँची से भी भैया खड़े थे यहाँ पर। भैया खड़ा होकर हाथ से एक बार बता दिए, और ठीक, ये हाँ आगे आगे सब आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ ओके, रास्ता दिखा दिया, आ रहा देखो रास्ता बन गया, ये सब है। और ये पीछे देखिए पूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है, पूरा आबादी हुई पड़ी है, एक नई बिल्डिंग और बनी है। देखिए हर कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा रास्ता बना रहा है। देखिए गाड़ी के लिए गेट बनाया है उन्होंने, आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी आपके रास्ते से आगे अंदर चली जाएगी। ऐसे इधर से गाड़ी जाने के बाद में ये गाड़ी अंदर चली जाएगी। ये हर तरह से फिट फॉर है, जगह बहुत अच्छी है। 90-95% सैनी चौहान और ये रहते हैं यहाँ पर। एक थोड़ा सा छोटा सा मोहल्ला पल्ली साइड में, यहाँ थोड़े मुस्लिम रहते हैं। ये देखिए भैया खड़े हैं अपने प्लॉट के ठीक सामने, इनके बैक साइड में इनकी, जहाँ भाई साहब रास्ते की तरफ वो हाथ करिए जरा, ये रास्ता है, ये रास्ता, वो रास्ता भी पार चला गया उधर की तरफ को, और ये रास्ता भी मिल गया सबको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम अगर जाते हैं तो पार होते हैं, जाते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ को रास्ता है, और रास्ता जो है चौड़ा रास्ता है। ओके, अब तुम्हें ये बात कहते हुए, मैं मास्टर साहब हुसैन, मैं सहारा प्रॉपर्टी 50 से हूँ। मैं प्रॉपर्टी का काम बड़ा खूबी और अच्छे ढंग से लोगों को समझाते हुए, बताते हुए, पारदर्शिता के साथ, इस बात के लिए कि आप मालिक से बात करें या हमसे बात करें, एक ही बात है। इत्तेफाक से देखिए मालिक मेरे पास साथ में है, मैं आपका उनको इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ भैया जी, हाँ जी, ये प्लॉट आपका है? हाँ जी मेरा है। पूरे स्थिति बता दो कि लंबाई चौड़ाई क्या है, कैसे कैसे है? इसकी लंबाई जो है, पूरब जो है, फ्रंट जो है इसका 36 फीट है, और एक तरफ जो है उत्तर की तरफ जो है वो 31 फीट फ्रंट है। कुल कितना रास्ता का, कुल कितना प्लॉट है? ये 132 इंच का है। 132 इंच है।
बेच रहे हैं? हाँ जी बेच रहे हैं। कोई वाद विवाद इसमें कोई ना? नहीं कोई विवाद। आपने बेनामे से ली थी कैसे? बेनामे से ली थी। अच्छा अच्छा, आबादी घोषित हुई है इसकी 143 घोषित है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार है। आपसे मिलने जाए तो आदमी कैसे पहुँचा आपके पास तक? मेरे पास जो, मैं मोहल्ला पहाड़ी दरवाजे में रहता हूँ, कालागढ़ रोड पर। कालागढ़ रोड पर राम मेडिकल के पीछे, राम रहीम मेडिकल स्टोर के पीछे। कई सारे राम रहीम है, और उसके अगल बगल और काला गंगा मेडिकल के पीछे, गंगा मेडिकल स्टोर के बराबर वाला राम रहीम। हाँ, ये होने बात। तो भैया जी, कोई भी लिए कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई मजहब या किसी का ताल्लुक तो कुछ नहीं जी? उसकी मर्ज़ी पर आप। अच्छा, रेट के मामले में भाई, रेट तो आप बताएंगे, हम इसका रेट इसमें एंट्री कर देंगे। हाँ, कर दो। 19-20 थोड़ी जो भी बैनर रखते हुए और बैठ के बात हो जाएगी। देखिए, मैंने बताया ना कि हमारा जो पर्पज है वो कुछ और नहीं, बड़ा सीधा सच्चा है, कि लेने वाले को मालिक से सीधी बात हो जाए, आप डायरेक्ट बात कीजिए, यही हमारा एक मकसद है। हमारा सारा प्रॉपर्टी हमने जो बनाया है। अच्छा, रास्ता आगे चला गया मिल पे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आप, अच्छा हमें एक और बात कह रहा था भैया जी, कि मैंने अभी नया शुरू किया है अपने इसी चैनल पे, जो साथी लोग शादियाँ कराते हैं लोगों की, मुस्लिम समाज के, तो एक अभी इंतजार हुसैन साहब हैं नई बस्ती के, उन्होंने शुरू किया है मेरे उस पर। आप भी कोई मुस्लिम समाज हो, जिस भी समाज के आदमी जो काम करते हैं जिस तरह का, वो मुझसे मिल करके बात करें, आपकी आवश्यकता अनुसार मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बताऊँगा सारी बात कैसा है क्या है। आइए मिलिए, थैंक यू। ये नया काम है, नई बात है मेरी, और भी मैं कुछ और बढ़ाने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, और सब अच्छा काम होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मर्जी से जो चाहे कर लिया, ऐसा नहीं है, लीगल काम होगा, सही काम होगा। थैंक यू, थैंक यू।